रमजान में आदमी था तो उसके घर में जो है ना खाने रोजे इफ्तार उन्होंने जो है ना सुबह जब रोजा रखा था तो ऐसा पानी के साथ रखा था, जब इफ्तार किया था तो वो जो है ना उन्होंने किसके साथ पानी के साथ खोला, तो उस बंदे से जो है ना वो नहीं हुई, देखा नहीं जाता कि मेरी फैमिली मेरे बच्चे जो है ना वो करें, उन्होंने जो है ना उसने खुद कैसे किया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सारी खुश नसीब करे, आमीन। तो अपनी इस आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त एक विलेज में मौजूद हूँ और ये है हमारे भाई। तो इस भाई का जो है ना ये मजदूरी कर रहे थे और भाई जो है ना एक मशीन थी बोरिंग वाली जो कि पथरीले इलाके में चलती है, डी जी खां क्वेटा कहीं भी, मतलब जहाँ पे ये पथरीले वगैरह ना वहाँ पे बोर वगैरह होती पंपिंग वगैरह, तो वहाँ पे जो है ना इनकी मशीन से गिरे हैं और इनको चोटें वगैरह आई और इनके जो है ना चलने में प्रॉब्लम हो गया और ये जो है ना भाई सही से नहीं चल सकते और भाई का कमाने वाला और है कोई नहीं और बच्चे जो है ना माशाल्लाह से आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं, और ये ना जो हमारी बहन है वो किसी खेतों में जाके काम वगैरह करती है, तो वो उसको जो है ना तकरीबन एक अब जो है इस वक्त मौसम है गाजरे वगैरह जो है ना निकाल रहे हैं आपको पता है, तो वो जो है ना गाजरे वगैरह निकालते हैं खेतों में से, तो उसकी जो है ना तकरीबन एक जो बड़ा तोड़ा है उसकी जो है ना वो प्राइस जो कीमत है उस गट्टू की वो देते हैं उसको 70 रुपये, ठीक है, क्योंकि वैसे नॉर्मल इस वक्त चल रही है 150 तकरीबन 170-160, तो वो अब जो है ना उसको दे रहे हैं यानी हाफ से भी कम दे रहे हैं। तो भाई से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, और इनका घर जो है ना वो आप लोगों के सामने है किस तरह से वो टूटा हुआ है सारा और ईंटें वगैरह बाहर निकली हुई हैं, तो यानी इनके पास ईंटें वगैरह आई हुई हैं ना इनके पास यानी खड़ा करने के लिए कुछ सरमाया है, और आप खुद मौजूद हैं घर का खर्चा चला है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं 6 बच्चे हैं, एक बच्चे के जो है ना वो बीमार रहता है, वो जो है ना उसको उसके नाना अबू लेके गए हैं, वो उसको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और वही इलाज कर रहे हैं, ये एक मजदूर बंदा है ये क्या करे, ये अपने घर का खर्चा ही अफोर्ड करे, ठीक है, और इसकी मतलब वाइफ है वो किसी के खेतों में जाके काम करते हैं, तो वो वहीं से जो है ना उसको जो घर का मतलब पैसे वगैरह होते हैं वो आते हैं, तो घर का ये इस तरह से निज़ाम चलता है। अभी तक जो है ना इनके घर का अभी तक चूल्हा वगैरह नहीं जला क्योंकि टाइम तकरीबन हो चुका है 4:45 हो चुके हैं, और जो है ना अभी तक इनकी वाइफ जो है ना मतलब उधर काम पे है, तो भाई से सलाम दुआ करते हैं, इनका नाम जानते हैं और इनसे जो भी इसकी कहानी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है। अच्छा थोड़े एक कन्न दास इतना मजदूर था मतलब कन्न डटे मशीन पर आए थे 10 साल पहले थे, 10 साल पहले थी जी, टेबल इलाज वगैरह कुछ करवाया दिया कहना, बस इलाज क्या करते था जो है वो बस चोर कर गई हम लहर का कारोबार छीना ने। अच्छा हम बस ये कि अपना थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करें पे अच्छा बच्चे तो कहें कहना निज़ाम में चलने पे हम क्या क्या सामना ही हुकूमत जड़ा जुलम करें नहीं पी हर बंद के सामने आदमी केड़ा केड़ा निज़ाम चलावे निके निके बच्चे मकान पर सामने खड़े थे जी। तो ये ना भाई ये मजदूर है अभी तक यानी इनकी वाइफ जो नहीं आ सकी, अच्छा एक देखो को 10 साल थी कहीं ना तो सर इलाज नहीं करवाया तो सर वाल में ठीक नहीं थी तो वाल घर का निज़ाम तो सर कि चले गए घर का निज़ाम ये ऐसा फसल आना पे हो जाते थे लेकिन कर गई थी मेहनत मजदूरी गाल अच्छा वो तो बाद अल्लाह से लेना पे खाने पे हालात बहुत तंग थी लेना जी जी वो घर सामने आ जाता कोई नहीं वापस है उन्हें हर किसी आके घर की कर ली जी वो आसन तो घर की करे सन 9-10 बजे तक मैं तुम्हें पके नहीं करेंगे लग जाएंगे बच्चे तो जो है ना अभी तक जो हमारी बहन नहीं आई तो अभी भाई कह रहे हैं कि वो अभी तक नहीं क्योंकि घर के हालात आपके सामने हैं घर का चूल्हा वगैरह खाना वगैरह भी बनाना है और दिहाड़ी जो है ना वो तकरीबन आपको 70 रुपये देते हैं ऐसी है ना तकरीबन यही है 300-350 बनता है आपका बनता है दिन का यानी एक मजदूर की जो दिहाड़ी करने जाता है वो वहाँ से जो है कमाता है 700-800 एक मर्द जो कि एक औरत है वो तकरीबन वहाँ से जो है ना गाजर वगैरह मतलब खेतों में से निकालती है फिर उसको जो है ना जो आगे उसका जो मालिक है वो उसको तकरीबन 350-300 तक देता है यानी एक एक औरत से क्या कितना काम वो देखें माशाल्लाह से ये 7-6 बच्चे हैं एक तो छठा तो उसका ना उसकी नानी अम्मा के पास है 5 ये बच्चे हैं
तो इन पांच बच्चों की भी कमी है, घर के बाहर सारा कुछ। यकीन सर ये देखें, अब उनकी मम्मा नहीं है तो ये बच्चे देख रो रहे हैं। तो खुदा से बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किसी पे ऐसा वक्त ना लाए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं सफ़ेद पोश होते हैं, बट वो जो है ना अपनी गुरबा छुपाने के लिए अपने क्या क्या कुछ कर देते हैं। तो पिछली दफ़ा ना माह रमज़ान में आदमी था तो उसके घर में जो है ना खाने उन्होंने जो है ना सुबह जब रोज़ा रखा था तो ऐसा पानी के साथ रखा था, जब इख्तियार किया था तो वो जो है ना उन्होंने किसके साथ पानी के साथ खोला, तो उस बंदे से जो है ना वो नहीं हुई। देखा नहीं जाता कि मेरी फैमिली मेरे बच्चे जो है ना वो करें, उन्होंने जो है ना उसने खुदकशी दी। उसके जब 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 उसने खुदकशी किया ना तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने उसने कहा कि यार हम आपकी हेल्प करते हैं। तो यानी उस वक्त भी नहीं था जब वो जिंदा था तो उस वक्त भी हेल्प नहीं किया, यानी इस इंसान की कदर है मरने के बाद, ठीक है। उस वक्त इंसान की कदर करते, जैसे अब माह रमज़ान आ रहा है, अच्छा जे वाले हम माह रमज़ान आ रहा है तो वाल घर में मतलब रोजे वगैरह तो रख देंगे तो वाल कितना रखें की मैं करें जे अगर फर्थी मजदूरी लग पे मेहनत मजदूरी करके इंतजाम चले रमजान मजदूरी कर नहीं सकता इंसान रोजे ये देख सकते कह रहे हैं कि हम रोजे जब रमजान अब रमजान आ रहा है तो रोजे वगैरह भी तो रखने हैं, तो इन रोजों के साथ जो है ना हम किस तरह से जो है ना बाहर मजदूरी करेंगे। तो अगर आप लोग इस भाई की थोड़ी सी सपोर्ट करना चाहें किसी चीज़ के हवाले से तो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो हम उनसे रابطہ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।